सारे 22 मुलजिम जो थे आरोपी, कोर्ट ने सारे मुलजिमिन को बाइज्जत बरी कर दिया। ऑल एक्यूज आर एक्विटेड, किसी के अगेंस्ट में कोई भी चार्ज प्रूव नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। जहां तक सोहराबुद्दीन की हत्या का मामला है, कोर्ट ने ये माना है कि सोहराबुद्दीन की हत्या गोली लगने से हुई है, मगर सोहराबुद्दीन को जो गोली लगी थी वो कोर्ट के सामने मौजूद किसी आरोपी ने चलाई थी, या जिस हथियार से चलाया गया वो हथियार आरोपी को अलॉट था, ऐसा कोई पुरावा नहीं आया। तुलसीराम प्रजापति जो है वो बस में तीसरा व्यक्ति था जिसको एबडक्ट किया गया था, वो भी कोर्ट के सामने सिद्ध नहीं हुआ। तुलसीराम के इनकाउंटर को कोर्ट ने जीनियन इनकाउंटर माना है। कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि तुलसीराम जो है उसको कस्टडी से ले जाते समय भाग गया था और दूसरे दिन जो है इनकाउंटर में मारा गया। ये डिफेंस की जो थ्योरी थी कोर्ट ने इसको सही माना है। जहां तक कौसर भी का मामला है, इस संदर्भ में प्रोसिक्यूशन ने कोई पुरावा कोर्ट में पेश नहीं किया। जितने विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए थे उसमें मटेरियल विटनेस जो थे हॉस्टाइल हो गए, जिसके लिए प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट ने यह भी माना है। और सारे पुरावे 210 गवाह थे, इन सबको देखते हुए कोर्ट ने सारे 22 आरोपियों को इस मुकदमे से बरी कर दिया। क्या आपको लगता है कि जो हॉस्टाइल लोग हुए, 92 लोग जो हॉस्टाइल हुए, क्या वो आपकी जीत के लिए सबसे बड़ी ताकत रही? नहीं, हमारा जो डिफेंस था, हमारा जो बचाव था, हॉस्टाइल एविडेंस के विटनेस पे आधारित नहीं था। हमने मेरिट्स पर जो है मुकदमा लड़ा और ये जो रिजल्ट आया है ये मेरिट्स पे है। हॉस्टाइल जो विटनेस हुए कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि वो उनका हॉस्टाइल होना या नहीं होना ये प्रोसिक्यूशन के बस में नहीं है। प्रोसिक्यूशन विटनेस पर दबाव या प्रेशर डाल के उनसे गवाही नहीं दिलवा सकता। अब वो हॉस्टाइल हो गए, इस वजह से उनके एविडेंस को कंसिडर नहीं कर सकते और उनको डिस्कार्ड करते हुए कोर्ट ने जो है ये आज फैसला सुनाया है।